Yeah. Hi, I'm Shannon Kay. Hi, I'm Vivan Sharma. Hi, this is Vivek Sharma. Hi, I'm Nishant Kumar. So we are here to promote our film Chal Zindagi, which is releasing in all India on 26th of May this month. And we are here to promote in Pune. And the film is about a journey of three and plus one, four individuals with their friends. And it's they are just living their life. They want to conquer the world by doing this journey, and you know, it's on motorbikes. They take a road trip to Leh Ladakh. We all come from different states, and we are all strangers. We're not friends from before, and we decide to continue the journey after we intersect our path. We become friends, and then we decide to continue the rest of the journey together, and that's what the film is about. हाँ जी, सो चल जिंदगी आ रही है 26 मई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। यही बोलो ऑडियंस को, बोलो तो 26 मई को अपनी तारीख एकदम ब्लॉक कर लो, क्योंकि आपको जाना ही जाना है देखने के लिए। मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ तो सीढ़ियाँ भी भरी हुई हो, है ना। 26 मई को आपको जाना है चल जिंदगी देखने, और ये हमने प्यारी सी अच्छी सी मूवी बनाई है, इसको अपना प्यार दीजिए। If you love traveling, if you love biking, if you're a biker, you should definitely go and watch Chal Zindagi, which is coming out on 26th May. Thank you. बस 26th मई को छोटे बच्चे से लेके दादा दादी नाना नानी भैया भाभी सब लोग देखने जाएं और ट्रैवल करें हमारे साथ चल जिंदगी। मजे करो। Are we all okay? Hi, so I'm Vivek Dhaiya. We've got Shannon. Just. Anji. Yes. Haji. Days का था, including travel. इसमें 30 days में हमने 22 days तो shoot days रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि हम 72 hours shoot किया हमने। दिन भर shoot किया, रात भर किया, फिर दिन भर किया। और चलता रहा, मतलब ऐसा ऐसा नॉन स्लीप इनकी आपने कुछ बाइक्स मीडिया ही लेता कि बच्चा है इसलिए प्रमोट किया, बट आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो गाना गाता हो, वोकलिस्ट हो। इसने अर्न किया, मैंने इसको मना कर दिया था कि मैं नहीं लूँगा तेरे को। तो इसने प्रूव किया, इसने जिद की और इसने अपने आप को लायक बनाया उस रोल के। और आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर तो आपको समझ में आएगा कि ये नेपोटिज्म और वैसा, क्योंकि मैं खुद नया हूँ, मैं मेरी पहली फिल्म है ये। एंड विवान को मैंने इस तरह हैं, लेकिन एक एक था जो हार्ले डेविडसन बाइक होती है, वो 350 kg उसका वेट होता है, बहुत हैवी बाइक होती है। तो संजय सर बड़े अनकम्फर्टेबल होते थे उसको चलाते वक्त, और जब इसके साथ सीन करना होता था, जब वो चला रहे हैं और वो पीछे बैठे हैं, तो उनको बड़ी चिंता होती थी, यार छोटा बच्चा है, मैं गिर जाऊँगा ठीक है, लेकिन इसके कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि नहीं सर, आपको ये सीन जरूरी है करना है। तो एक सीन था जिसमें संजय मिश्रा जी राइड कर रहे हैं, विवान पीछे बैठा है, सीन अच्छे से हो गया, लेकिन जब बाइक रुकी तो वो इम्बैलेंस हुई, ये गिर गए और चोट लगी इनको, संजय सर को भी लगी, इसको भी लगी। एंड हार्ले डेविडसन का साइलेंसर गर्म होता है बहुत जल्दी ना, तो इसका पैर जला संजय सर के भी। बट संजय सर का एक देखिए, इतना सीनियर आर्टिस्ट है, उनको उनकी चोट लगी उनको परवाह नहीं है। सबसे पहले उन्होंने विवान को उठाया, उसकी परवाह थी, यार बच्चे की चोट लगी, एंड वॉज वेरी लाइक उनको गिल्टी गिल्ट महसूस हो रही थी, ऐसा कैसा हुआ। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, जहाँ एक सीन हम लोग शूट कर रहे थे, बिल्कुल वाइल्डनेस था उसमें ना, एक मूनलैंड करके जगह है वहाँ पर लेह लद्दाख में। सो बिल्कुल रॉ लोकेशन, वहाँ नेटवर्क नहीं होता। आप लोग जब घर वालों को हमने 3 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया कि अब 4-5 दिन तक कोई नेटवर्क नहीं होगा, चिंता मत कीजिएगा। एंड वहाँ पर ये शूट कर रहे थे, एकदम से सैंड स्टॉर्म आया एंड सब कुछ उड़ गया, जो इनका जो कैंप वैम्प लगाया सब उड़ गया, सारे आर्टिस्ट परेशान हो गए। सो बड़ा मतलब चैलेंजिंग एंड मजेदार था। बर्फीले राजमा चावल खाने की हमें आदत हो गई थी। हमारे सामने ऐसे खाना परोसा जाता था बिल्कुल जैसे यहाँ से वहाँ तक, और गरम गरम वो ले जब तक यहाँ तक पहुँचते थे, और आप वो पहली चम्मच आप लेते थे, आ बर्फीला राजमा चावल। सो सर्दी में हमने ठंडा खाना है खाना खाया, और तपती धूप में गर्मी में हमने गर्म खाना खाया। तो ये पिक्चर का ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है। विवान से मुझे पूछना था, विवान विवान
इस एक सेकंड में सॉरी मैं ये कहना चाह रहा था, अभी हम मैंने जयपुर में प्रमोशन करके आए हैं तो वहाँ भी हमने तपती गर्मी में गरम गरम क्या था कोकोनट वाटर पिया गरम गरम मेहनत तो इसका सबसे सही मैं जवाब ये दे सकता हूँ कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और मैं उसको फॉलो करता हूँ। ये कहते हैं कि टाइम टेबल तो कोई भी आता है, फॉलो करना हार्ड रहेगा तुम कर लोगे, और मैंने कर लिया। शूट में जब भी टाइम मिलता था मैं अपनी बुक्स कैरी करता था, और जैसे मेरे एक या दो दिन मेरा शूट नहीं है, जैसे इनका सीन है कोई, तो मैं होटल में रहता था, मैं अपना काम करता था, मैं टाइम करके रख लेता था, और जब भी मैं फ्री होता था रात को, जैसे अर्ली बैकअप हो गया तो मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लेता था, क्योंकि कॉपी करना बहुत ईजी होता है अगर आपने लिख लिया उसको एक बार। तो ऐसे ही मैं पढ़ाई करता था वहाँ टाइम टेबल बना के कि अब ये करना है, चलो मैं इनसे शेड्यूल मांग लेता हूँ कि कितना सीन अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, और उस हिसाब से मैं अपना पूरा रूटीन बनाता था और उसको फॉलो करता था। शूटिंग के दौरान फैमिली मेंबर कौन था साथ में? फैमिली मेंबर मेरे डैड थे। मैं इसका डैडी हूँ। मुझे भी इन्होंने शादी पे डांस करते हुए देखा। नहीं, जब मैं लिख रहा था ये मूवी मुझे एक 60 साल का किरदार चाहिए था, तो वो मेरे दिमाग में संजय मिश्रा जी बिल्कुल सेट है। उनका मैं हीरोज का कम फैन होता हूँ, मैं एक्टर्स का ज़्यादा फैन हूँ। तो संजय मिश्रा जी इज़ ए रियल टैलेंट, एक लेजेंड है वो, और उनकी कई मूवीज़ आप आंखों देखी कामयाब, बहुत आसमान, कई सारी मूवीज़ हैं आप देखेंगे तो। वो मेरे दिमाग में कैरेक्टर सेट था, तो वो उनको लिख के मैंने लिखा। शैनन मुझे एक लड़की चाहिए थी जो US से हो, म्यूज़िक जानती हो और रिसर्च करने निकली हो। एंड शैनन ने एक बार राजस्थान में शूट करने आई थी, एक इसका हॉलीवुड का प्रोजेक्ट था, वार्नर म्यूजिक पे इसका एक सॉन्ग था, और मैं उसको प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था। तो ये आई और कैमरे के सामने बड़ी शाई सी लड़की थी, चुपचाप बैठती थी जैसे अभी बैठी है वैसे। तो मैं देख रहा था कि यार ये प्रोडक्शन वाले जो इनको डायरेक्टर थे जो भी, मैंने कहा यार ये कैसे करेगी लड़की, इतनी शाय है और ये इतना अमेजिंग सॉन्ग है। एंड एक फोर्ट में हम लोग शूट कर रहे थे, एंड ये जाके अपने मार्क पे बैठी, और जैसे एक्शन शुरू हुआ और इसका जो ट्रांजिशन था, मतलब एक फ्रॉम शाय लड़की टू इतने सारे एक्सप्रेशन ने फेशियल एक्सप्रेशन के देखे मैंने, तो आई वॉज अमेज। मैंने तभी डिसाइड किया था कि इसके साथ में एक मूवी मुझे करनी है। सो शैनन को मैंने इस तरह से कास्ट किया। विवान जो है ये एक राजस्थान से है, एंड फोक आर्टिस्ट मुझे चाहिए था, रॉ फोक आर्टिस्ट चाहिए था, प्लस एक मॉडर्न बच्चा, क्योंकि दो शेड्स हैं कैरेक्टर के। तो मैंने कई फोक आर्टिस्ट जो उनका ऑडिशन लिया, लेकिन वो ऑडिशन में मॉडर्न नहीं दिखते थे। इसको चैलेंज दिया, इसको रोल चाहिए था, इसको चैलेंज दिया कि मुझे एक सिंगर भी चाहिए जिसको खड़ताल बजाने भी आती हो। खड़ताल एक रास्ता इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लैंक्स होते हैं, वुडन प्लैंक्स जो लूज होते हैं दोनों हाथ में करते हैं। तो उसको चैलेंज दिया, तो इसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसने सीखा फोक सिंगिंग इसने सीखी, और इस तरह से ये कैरेक्टर ऑन बोर्ड आया। और निशांत हैं, ये अभी पुणे में है, अभी कर रहे हैं स्टडी, बट ये थिएटर से हैं राजस्थान में, जयपुर में रहे। मैं राजस्थान से जयपुर से हूँ मैं, सो वहाँ मैं इनसे मिला। और जो एक विवान And I think this was during COVID when, Vivek sir approached me to send him a self-tape for the role of Sanam. And I sent him and he really liked it, and that's how I got into the role. And then later on, he told me that I have to ride a bike. And I was so excited, but then I realized, oh wait, I gotta learn how to. So I learned a little bit, and I learned just enough to not get crushed under the bike, because it is super, super heavy. And I remember the first time I sat on it, I was literally like falling down in slow-mo. And it was overall a very fun experience. And I think that after this movie, I'm definitely gonna take more lessons. जी जी चल रहे हैं, डेली शो कर रहे हैं, ये है मोहब्बत या अपनी कयामत की रात। तो अभी तो ये मूवी है, तो क्या फर्क है डेली शो में या फिल्म में, ऐसा क्या चैलेंजिंग क्या लगा? अपने अपने चैलेंजेस हैं दोनों के। डेली शो मैंने करना खैर फिलहाल के लिए बंद कर दिया, 3-4 साल से मैंने टीवी नहीं किया है, लेकिन आई थिंक मेन फर्क ये है कि आपको ज़्यादा क्रिएटिव अगर आपको काम करना है तो आप फिल्म की तरफ जाते हैं,
डेली सोप की जो स्टोरीज़ हैं वो सीमित रहती हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। वो जनरली एक घर की कहानी होती है, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है, उसके इर्द गिर्द जो है वो कहानी, तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है कहानी के तौर पे, तो वो उसी का वर्ल्ड होता है। एंड आपके डेली के टारगेट्स होते हैं, आपको इतना मिनिमम मिनट्स आपको फुटेज शूट करना ही करना है। फिल्म में ऐसा नहीं है, फिल्म में जॉनर बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के जॉनर्स होते हैं। एंड अभी तो फिलहाल जब से OTT आया है तो हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटेशन में घुस गए हैं, विच इज़ रियली गुड, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, फॉर टेक्नीशियंस, फॉर डायरेक्टर्स, फॉर एक्टर्स, एवरीवन। बहुत सारा काम हो रहा है। एंड फिल्म ये है कि आपका बाउंड स्क्रिप्ट है, यू आर नॉट चेंजिंग इट एवरी वीक। आपके एपिसोड की तरह आप चेंज नहीं कर देते कि TRP क्या आ रही है उसके हिसाब से, अच्छा TRP लो आ रही है, शादी का सीन डाल दो, वो शादी चलती रहती है 2 महीना। तो TV, आई एम ऑलवेज इंडेटेड टू TV बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर एंड आई हैव लर्नड एवरीथिंग दैट आई डू टूडे बिकॉज ऑफ TV, बिकॉज TV मेक्स यू अ परफेक्ट एक्टर। इम्पल्स जो होता है ना TV का, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक साल, किसी भी एक्टर को एक साल TV में ज़रूर ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकली बहुत साउंड हो जाते हैं। और फिल्म का ये है कि आप क्रिएटिव, अगर आप आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, तो फिल्म बनाइए। सो या दैट्स द मेन डिफरेंस। और नॉर्थ हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। चैलेंजिंग सबसे मैक्सिमम जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो ये बंद कमरों में शूट नहीं हुई है, रोड पे शूट है पूरी मूवी। ऑलमोस्ट 95% से ऊपर रियलिस्टिक लोकेशंस पे है, और लोकेशंस भी बहुत चैलेंजिंग है। आप लेह लद्दाख जाएंगे, वो आप वहाँ पर ऑक्सीजन 30% ऑफ ऑक्सीजन जो हमें यहाँ है उतना 30% मिलता है। फिर वेदर बहुत चैलेंजिंग है, सर्दी बहुत है, स्नोफॉल, बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है, कभी सैंड स्टॉर्म्स आ रहे हैं। तो हमारा 130 लोगों का क्रू था, हमने शूट शुरू किया वो लेह लद्दाख से किया। क्लाइमेक्स हमारा जो सबसे पहले हमने शूट किया, तो जाते ही सबसे पहले वेदर चैलेंज था हमारे लिए। But I think I would say I do like the folk song which we sang, which Vivan and myself. From life. Do you wanna? और चल जिंदगी 26 मई को थिएटर्स में रिलीज करने वाले हम लोग ऑल ओवर इंडिया। एंड ये मूवी है, ये एक रोड ट्रिप पे है, बाइकर्स ट्रिप पे है, जिसमें लीड स्टार कास्ट में संजय मिश्रा जी हैं, मीता वशिष्ठ जी, विवेक दहिया, शैनन के राकेश पांडे जी हैं, विक्रम है, विक्रम प्रताप, निशांत कुमार है, और चाइल्ड आर्टिस्ट विभान शर्मा है। तो बेसिकली 6 कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग एज ग्रुप से हैं। एक 9 साल का बच्चा भी है और एक 60 साल का रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, और एक म्यूजिक स्टूडेंट है US से जो शैनन के ने प्ले किया है, एंड विवेक कॉलेज स्टूडेंट है। तो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से ये कैरेक्टर्स हैं जो अपने ड्रीम्स को जीने के लिए निकलते हैं हार्ले डेविडसन बाइक्स पे। फ्रॉम एक आर्टिस्ट है जो शैनन है, बॉम्बे से निकलती है अपनी बाइक पे हार्ले पे, विवेक है वो ब्रेक बता दिया। बाकी शैनन के जो हैं वो हॉलीवुड से हैं, एंड वहाँ पे काफ़ी इस्टेब्लिश्ड सिंगर हैं, उसने काफ़ी इसके फॉलोअर्स हैं, बहुत नाम कमाया इसने। एंड हिंदी में इसका ये पहला प्रोजेक्ट है, डेब्यू है ये। इनफैक्ट विवेक भैया ये रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो शैनन से शुरू करेंगे, चीज़ रिनाउंड सिंगर है, और हमारी फिल्म में 5 गाने हैं। वो 5 गाने में जो फीमेल वॉइस है उसमें शैनन की फीमेल वॉइस हर गाने में उसी की है। उसके अलावा जावेद अली है, नीरज श्रीधर है, कुमार शानू है, रविंद्र उपाध्याय है, विवान है, इन्होंने मेल वॉइस दिए हैं। सो मैं शैनन को माइक हैंड ओवर करूंगा, वो बताएंगे अपने रोल के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में। Hi everyone, my name is Shannon Kay. My role in this movie, like Vivek sir explained, you know, is a music student who comes down from LA.
in search for raw music, authentic folk music, and she basically convinces her parents to let her go on a solo trip in search for music. And that's how my journey begins in the movie. And I hop onto the Harley Davidson and off I go onto this beautiful journey. And along the way, I come across these amazing individuals who have their own story to tell as well. And yeah, the destination is the same, but every one of our journeys are completely different and very entertaining to watch. Hi, good afternoon. So मेरा कैरेक्टर का नाम है साहिल और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ जो कि अभी अभी उसने होश संभाला है और उसने डिसाइड किया है कि मैं अपने सपनों को जीऊँगा और वो बाइक उठाता है और अपने दोस्त को पीछे बिठाता है और वो निकल जाते हैं. कहाँ जाते हैं, क्या प्लान है, कुछ नहीं पता, बस निकल जाते हैं और अपने दोस्त से पूछता है बता नॉर्थ चले कि साउथ. वो बोलता साउथ, तो कहता चलो ठीक है नॉर्थ चलते हैं. सो ये उनकी कहानी है. मस्त मौला है, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है और ज़िंदगी को एंजॉय करता है. काफ़ी हद तक मुझसे मिलता जुलता है मेरे पर्सनालिटी से. और या दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड दिस फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 26th ऑफ मे. सो व्हेन यू वॉच इट यू विल नॉट फील कि आप एक फिल्म देख रहे हैं जहाँ पे एक्टिंग चल रही है. आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑर्गेनिकली आपके सामने हो रहा है. ये एक जर्नी, कुछ चार लोगों की जर्नी है, वो आपके सामने है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट. सो प्लीज़ आप देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि हमारे कंट्री में ब्रेक्स को थोड़ा सा अंडर वैल्यू करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं. हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं होता टेकिंग ब्रेक्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू प्रीच दैट इन दिस फिल्म, बट यू वुड जस्ट बाय डिफॉल्ट यू वुड वॉन्ट टू हिट द रोड, वेदर ऑन योर बाइक, on your car or train or bus, whatever. But you would want to take a break because brakes, regular brakes, what they give you is a new perspective. Ek naya nazariya dete hain aapko sochne ka, jisse aapki output eventually better ho jati hai. So that's Chal Zindagi for you from my side. Vivan. Hi guys, I am Vivan Sharma. I am 11 years old. Oh, sorry. So, looks apart. My character is basically a folk artist, Rajasthani folk artist का character play किया है मैंने. उसमें मैं इनको heritage hotel में मिलता हूँ. वहाँ मैं अपनी खड़ताल प्ले कर रहा होता हूँ और मेरे इसमें मूवी में पेरेंट्स नहीं है, चाचा है जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, जो ये रहे डांटना इनको, अत्याचार करते हैं मुझ पर. तो है ना, अपने बेटे को प्रमोट करते हैं और मेरे को बेसिकली पैसे कमाने का बना रखा है कि पैसे कमाएगा ये, मतलब पैसे बनाने का जरिया हूँ मैं. तो ये आती हैं, इन्हें मेरा टैलेंट अच्छा लगता है, फिर मैं इनको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या चल रहा है. तो फिर ये मेरे को बेसिकली मेरे चाचा से रेस्क्यू करती है और मेरे को लेके जाती है. तो फिर यही बेसिकली ब्रीफ में है कि फिर हम सब कैसे मिलते हैं और यू नो हम सब एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और डिसाइड करते हैं फाइनली. वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको 26 मई को जाके देखना पड़ेगा थिएटर्स में, बट मैंने आपको जितना ब्रीफ पॉसिबल था मैंने दिया. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद संजय मिश्रा सर? एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट. ऑफ कोर्स संजय मिश्रा सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है. इनफैक्ट नीता विशेष मैम भी इस मूवी में है, देन विवेक दहिया एंड शानन की, एंड देन निशान भैया जो अभी FTI में पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. तो सब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनको कहीं हद तक मुझसे ज़्यादा एक्टिंग आती है. तो मैं खुश हूँ कि मेरे को ये मौका मिला उनके साथ एक्टिंग करने का, नई चीज़ें सीखने का, यू नो मस्ती करने का. जैसे हम तीनों और हमारा कुछ अलग ही था, हम डायरेक्टर अलग ही अपनी दुनिया में मस्त हो रहे थे और है ना, फिर हम लोग भी बहुत मस्ती करते थे संजय मिश्रा सर और मैं. आई गेस सबसे ज़्यादा शरारत हम लोग ही करते थे सेट पे. तो संजय मिश्रा जी एंड विवान ये सबसे नॉटी लोग थे हमारे सेट पे. और आज देखो कोइंसिडेंटली मैं उनके जस्ट आगे ही बैठा हूँ. देखो वो आज है नहीं, मतलब वो एक्चुअली ही वाज सपोज्ड टू कम बट उनका कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, सो मैं इस वजह से नहीं आ पाया. अदरवाइज ही वुड ही वाज लाइक वाज विलिंग टू कम हियर. एंड निशांत हैं, निशांत कुमार. सो निशांत बताइए अपने बारे में. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम निशांत है और जैसा विवान ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैं FTI का स्टूडेंट हूँ, जैसा विवान ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैं FTI का स्टूडेंट हूँ. और सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फिल्म में काम करते वक्त.
सर का बहुत सपोर्ट रहा है, बड़े भाई की तरह है। तो सर ने मुझे जब फिल्म में बोला कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर थोड़ा इंटेंस है, उसका नाम नरपत राणा और मैं उसका अंकल प्ले कर रहा हूँ। तो उसके अलावा संजय सर थे, तो सर ने मुझे बोला कि संजय सर को काम करते देखना भी एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। तो जितने दिन मेरा काम था उसके अलावा भी मैं सेट पे था, सर को बहुत क्लोजली देख रहा था, सीख रहा था। और बाकी जैसे विवेक सर थे वहाँ पे, विक्रम थे, शानन थी, सबको काम करते देखना फिर समझना कि सबके अप्रोच क्या है, तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। और फिल्म बहुत अच्छी बात कहती है लाइफ को लेकर, कि कभी भी वो लेट नहीं होता, आप जब चाहें अपनी लाइफ को एक नया मोड़, एक नए तरफ ले जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एक खूबसूरत या फिर आप जिस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहें। तो फिल्म इस तरह के मैसेज से फुल है और 26 मई को आप लोग देखिए और फिर पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी आजकल जो दौर चल रहा है बिल्कुल डार्क कंटेंट, गाली गलौज, सेक्स, ये सब परोसा जा रहा है हर जगह ना, हर तरफ वही देखने में मिलता है। हमारी जो मूवी है इट्स फ्रेश, एक 9 साल के बच्चे से लेके और दादा दादी नाना नानी सब के लिए है। इट्स ए प्योर फिल्म जिसमें 5 सॉन्ग्स है, एक जर्नी का एक्सपीरियंस है। आप साथ साथ में सारे जो ऑडियंस है वो ट्रैवल करेंगे, वो देखते वक्त वो भी फील करेंगे कि हम लोग जर्नी कर रहे हैं, जो हमें सबको करनी चाहिए। सो एक बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट है और इंडिया में रोड ट्रिप के ऊपर, बाइकर्स के ऊपर, साउथ में जरूर कुछ मूवीज बनी है, बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक बाइक पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है फर्स्ट फिल्म होगी जो बाइकर्स हैं। एंड चैलेंजिंग जो है वो हमने इसको बॉम्बे महाराष्ट्र जो रूट है, बॉम्बे से लेकर फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और लेह लद्दाख। सो लेह लद्दाख जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और हर बाइकर या जो भी ट्रैवल करते हैं उनका ड्रीम होता है वहाँ पहुँचना, एक क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग है। तो हम लोग ने यही जर्नी हमारा राइट फ्रॉम बॉम्बे टू लेह लद्दाख, और ट्रैवल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ की जो अपनी एक्सपीरियंस होते हैं वो कैसे आप जब जर्नी करते हैं तो वो कैसे आपको अकंपनी करते हैं। सो